समाजवादी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव के बीच गुरुवार को हुई मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन अटकलों के बीच सूत्रों का दावा है कि दोनों की इस मुलाकात के बीच तीन बातें तय हो चुकी हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय नहीं होगा। इसके अलावा प्रसपा के उम्मीदवार सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रसपा को 10 से ज्यादा सीटें नहीं देंगे। हालांकि सूत्रों का दावा है कि प्रसपा 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी भी हो गई है और इन 7 लोगों में प्रसपा चीफ खुद शिवपाल यादव हैं, उनका बेटा आदित्य है और बहू शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो 2 विधायकों को मंत्री भी बनाया जा सकता है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल एकाएक उस वक्त गर्म हुआ जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला 7 विक्रमादित्य मार्ग स्थित शिवपाल यादव के घर पहुँच गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे चाचा शिवपाल के घर पर पहुंच गए। घर के अंदर दोनों के बीच करीब करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों ने खुद ट्वीट कर मुलाकात की जानकारी लोगों के साथ साझा की। शिवपाल और अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। सरकार बनने पर 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं और लगभग 7 सीटों पर शिवपाल यादव राजी हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि गठबंधन से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा। दरअसल चाचा के साथ चुनाव लड़ने में समाजवादी पार्टी को फायदा होगा कि इस गठबंधन से प्रसपा से होने वाला नुकसान जो होना था वो टल जाएगा। शिवपाल अखिलेश के बीच गठबंधन लगभग तय होने के बाद सपा प्रसपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सपा प्रसपा के नेताओं का कहना है कि हम खुश है कि मतभेद सुलझ गए और पार्टी में एक नई उम्मीद है। हमें अब सत्ता में वापसी से कोई नहीं रोक सकता।